हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 14 हम भारत की शान है इस कविता को पढ़ेंगे। प्रकार भी कविता है, एक सिंपल सी कविता है, लेकिन इस कविता में आप जैसे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हम भारत की शान है। कौन भारत की शान है? छोटे छोटे बच्चे, आप जैसे छोटे बच्चे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत देश का भविष्य किसके हाथ में है? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में है ना, क्योंकि वो लोग आगे जाएंगे, ऊंचे काम करेंगे, प्रगति करेंगे, तो वैसे ही हमारे देश की प्रगति होगी। इसलिए ये छोटे बच्चे हमें बता रहे हैं कि हम छोटे हैं, लेकिन हमें छोटे मत समझो, हम ही भारत की शान है, हम ही देश का गौरव है। अगर आप देश का गौरव हो तो आपको भी अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, है ना। अब स्कूल में हो तो स्कूल में आपको क्या करना है? स्कूलिंग टाइम है आपका, तो तब आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है ना। फिर आगे जाके इससे आगे बढ़ोगे, थोड़े बड़े होगे तो फिर क्या करोगे? आप अच्छे नागरिक बनोगे, है ना, अपना काम खुद करोगे, लगन के साथ करोगे और साथ सच्चाई को साथ में रखकर करोगे, तो आप अच्छे आदमी बनोगे, आप अच्छे नागरिक बनोगे, तो वैसे ही हमारे देश की प्रगति होगी, हमारा देश उज्जवल होगा। इसलिए यहाँ बच्चे समझ रहे हैं कि हम भारत की शान है, यानी हमें से ही भारत का भविष्य है, तो हम पहले अच्छे काम करें और देश को उज्जवल बनाए। तो चलो एक अच्छी कविता पढ़ते हैं। नन्ही नन्ही हमें न समझो हम भारत की शान है। नन्ही नन्ही हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला आसमान है। हमसे ही है धरती सारी फैला आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला आसमान है। बगिया की खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है। नन्ही नन्ही हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैलाए आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो हम भारत की शान है। चैप्टर 14 हम भारत की शान है, कविता हमने सुनी, सबको कविता लर्न करनी है। अब कविता को समझते हैं। तो बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है।
इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। छोटे बच्चे हैं लेकिन ख्वाहिशें बहुत बड़ी है। वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हमसे ही देश का गौरव है। हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे देश का नाम हो। तो अब कविता को समझते हैं। तो नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। तो ये छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं, नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे हमें न समझो। हम छोटे हैं लेकिन हमें छोटे मत समझो। हम तो भारत की शान है, हम भारत देश की प्रतिष्ठा है, हम भारत देश का गौरव है। हमें छोटे छोटे मत समझो। तो हमसे ही है धरती सारी, ये सारी धरती हमसे ही टिकी हुई है। सारी धरती पर हम फैले हुए हैं और साथ में फैला यह आसमान है। आसमान आकाश, पूरा आकाश भी हमसे ही फैला हुआ है। ये छोटे हैं लेकिन बहुत समझदार है। वो समझते हैं कि हमसे ही धरती टिकी है, हमसे ही आसमान है। तो अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, नेक काम करने चाहिए, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। तो बच्चे अब क्या बता रहे हैं कि फूल है हम इस बगिया के। ये बगिया यानी छोटा सा बगीचा, लेकिन बच्चे की बगिया किसे कहते हैं, इस दुनिया को, कि इस दुनिया में जैसे बगीचे में फूल है जो कि इतने आकर्षक होते हैं। ये पूरा बगीचा है लेकिन फूल के बिना अधूरा है। वैसे ही हम इस बगिया के फूल है, ये दुनिया में हम ही फूल है। और खुशबू फैलाना काम है, और हमारा काम क्या है, फूलों के जैसे खुशबू फैलाना। तो खुशबू वैसे फैलती है नहीं, फैली जाती। इसके लिए हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे, हमें पहले फूल बनना पड़ेगा, है ना। तो बच्चे कहते हैं कि हम फूल हैं और हमारा काम फूल के जैसे खुशबू फैलाना है। और खुशबू यानी सुगंध, अच्छी सुगंध, इस यानी कि यहाँ पे हमें फूल बनकर अच्छे काम करने हैं। ये भावार्थ में यहाँ पर कहा है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। हम महान काम करते हैं इसलिए आगे ही आगे, बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे इसलिए हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हम बच्चे हैं लेकिन हमें बच्चे मत समझो। हम इस दुनिया के बगिया के फूल हैं और हम फूल हैं यानी कि हमारा काम इस दुनिया में खुशबू फैलाना है। और इसलिए खुशबू फैलाना हमारा काम है, इसलिए हम महान काम करते रहते हैं और महान काम करने से हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चढ़ेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बोलो अब बच्चे क्या कहते हैं, हम ऊंचे ही उठते जाना है। हमें प्रगति, ऊंचे उठना यानी कि प्रगति करना, है ना, प्रगति करना। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि हम ऐसे काम करेंगे जैसे हमारी भी प्रगति हो और हमारी प्रगति के कारण हमारे देश भारत देश की भी प्रगति हो। यानी कहते हैं कि हम ऊंचे ही उठते जाना है, हमें प्रगति ही करते रहना है, आगे ही बढ़ते जाना है। प्रगति करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि आगे भी बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही रहेंगे। कभी रुकने वालों में से हम नहीं हैं, हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। हम भारत की शान है, ये सब हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम भारत की शान है। तो ये छोटे बच्चे बता रहे हैं कि हम हमेशा ऊंचाई के रास्ते पर ही जाएंगे, यानी कि हम ऐसे नेक काम करेंगे जिससे हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। और क्योंकि हम तो भारत का गौरव है, भारत की शान है। तो पहले तो आप समझो कि अगर आपको देश की तरक्की करनी है तो आप क्या करोगे। तो
तो सबसे पहले अभी आप छोटे हो तो रेगुलर स्कूल आओगे, है ना, जब भी स्कूल स्टार्ट होगी। अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो रेगुलर उसमें अटेंड रहोगे, फिर अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, फिर आप अपना कार्य भी ठीक तरह से कंप्लीट करोगे, फिर आपका वर्तन, है ना, आपका बिहेवियर भी कैसा होना चाहिए, एकदम शिष्टाचारपूर्ण। अब अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो और फिर बाद में बीच बीच में टीचर्स को कुछ कहना है या फिर अपने जैसे दूसरे दोस्तों को बीच बीच में आप अनम्यूट होकर परेशान करोगे तो क्या होगा, ये अच्छा वर्तन है, नहीं है, तो ऐसे भारत देश की प्रतिष्ठा नहीं आएगी। आप अच्छे बनो, आप पहले अच्छे विद्यार्थी बनो, फिर अच्छे नागरिक बनोगे, वैसे ही देश का विकास होगा और ऐसे ही आप देश के विकास में योगदान दे पाएंगे। ओके, तो पहले अच्छे अच्छे काम करो, जैसे हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा कि सफाई स्वच्छता, तो वो भी एक पॉइंट है। अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें स्वच्छता भी रखनी चाहिए, हमारा जो काम है वो फर्ज, जो हमारा काम है, जो हमारा फर्ज है, वो हमें पूरी निष्ठा से करना चाहिए, है ना। तो इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे।